सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के खिरहरी हॉल्ट के नजदीक एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं टेंट हाउस मालिक भी इस आग में झुलसने के कारण गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस मामले में टेंट हाउस मालिक का कहना है कि घटना की सूचना देने के बावजूद भी दमकल की गाड़ियां काफी देर से पहुंची, जिसके कारण और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। यहां पर टेंट हाउस में भीषण आगलगी की घटना हुई है और इस आगलगी में टेंट हाउस के जो मालिक हैं वो भी झुलसकर बुरी तरह जख्मी हुए हैं। दमकल की गाड़ियों को सूचना दी गई लेकिन काफ़ी देर के बाद वो पहुंचे, जिसके बाद जो नुकसान है काफ़ी ज़्यादा हुआ है और टेंट हाउस के जो मालिक हैं वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, क्योंकि दमकल की गाड़ियों को बहुत पहले सूचना दी गई थी लेकिन काफ़ी देर के बाद वो घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद काफ़ी सारा सामान का जो नुकसान है इस आग में हुआ है। आग यहाँ लगी और पप्पू ने हमको फोन किया, कैलाश जी का लड़का जो कि अंकल यहाँ टेंट हाउस में आग क्या लग गई। मैंने तुरंत दमकल वाले को फोन किया, दमकल वाला कहा जो कि वहाँ पे पहुँच चुका है और दमकल समय पर नहीं आया। यहाँ अगर समाज का सारा लोग इकट्ठा नहीं होता तो सारा सामान जल जाता। इसकी जानकारी नहीं है जो कि आग में तो कैसे लगी। इसमें कम से कम 15-20 लाख का सामान था, उस सारा सामान में तो जल चुका है। अगर दमकल वाले सौ समय पहुंच जाते तो इतनी।